वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सत्यजीत रे द्वारा लिखे गए प्रोज फिल्म मेकिंग का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग सत्यजीत रे के बारे में जान लें। सत्यजीत रे वॉज एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर। वो एक इंडियन फिल्म निर्देशक थे, राइटर थे, इलस्ट्रेटर और म्यूजिक कंपोजर थे। ही इज़ वाइडली कंसिडर टू हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर ऑफ ऑल टाइम। उन्हें भारतवर्ष के मशहूर और फेमस फिल्मकारों में से एक माना जाता है आज भी। और उनकी फेमस वर्क्स इंक्लूड हैं द अपूर ट्रायलॉजी, द म्यूजिक रूम, द बिग सिटी, चारुलता। ये उनके कुछ मुख्य मूवीज़ में से एक मूवीज़ हैं। वॉज बॉर्न इन कलकत्ता इन टू अ बंगाली कायस्था फैमिली विच वॉज प्रोमिनेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर। स्टार्टिंग हिज कैरियर एज अ कमर्शियल आर्टिस्ट ही वॉज ड्रॉन इन टू इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग आफ्टर मीटिंग फ्रेंच फिल्म मेकर जियान रेनोयर एंड व्यूइंग विटोरी डे सीसास इटालियन न्यूरलिस्ट फिल्म बाईसाइकिल थीव्स। और बेसिकली उनका जन्म कलकत्ता में एक बंगाली फैमिली में हुआ जिसकी बैकग्राउंड लिटरेचर के साथ ही थी। उन्होंने अपना करियर की शुरुआत एक एडवर्टाइज़र के तौर पे की, बट जल्दी ही उनका इंटरेस्ट जीन रेनोयर और बाईसाइकिल थीव्स मूवी जीन रेनोयर से मिलने के बाद और विटोरी डे सीसास की बाईसाइकिल थीव्स देखने के बाद उनका इंटरेस्ट जो था वो फिल्म मेकिंग की तरफ चला गया था। रे डायरेक्टेड 36 फिल्म इंक्लूडिंग फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट्स। उन्होंने लगभग 36 के करीब मूवीज़ को डायरेक्ट किया। ही वॉज ऑल्सो अ फिक्शन राइटर। वो एक फिक्शन राइटर भी थे, पब्लिशर भी थे, कैलीग्राफर भी थे, म्यूजिक कंपोजर भी थे, ग्राफिक डिज़ाइनर और एक फिल्म क्रिटिक भी थे। और उनको उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए 1978 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा एक ऑनरेरी डिग्री दे के भी सम्मानित किया गया था। तो ये थी हमारी एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन राइटर के बारे में, दैट इज़ सत्यजीत रे के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज सत्यजीत रेस फिल्म मेकिंग। वट अकॉर्डिंग टू रे आर द चैलेंजेस अ डायरेक्टर इज लाइकली टू एनकाउंटर इन फिल्म मेकिंग इन ए कंट्री लाइक अवर्स। सत्यजीत रे के मुताबिक कौन से ऐसी चुनौतियाँ हैं जो हमारे जैसे देश में एक निर्देशक को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था या करना पड़ता है। द प्रेजेंट एसे फिल्म मेकिंग हैज़ बीन रिटन बाय सत्यजीत रे, वन ऑफ द फेमस फिल्म मेकर्स इन इंडिया। ये प्रोज जो है सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक भारतवर्ष के एक बहुत ही मशहूर फिल्म मेकर थे। इन दिस एसे द राइटर इज़ ट्राइंग टू प्रेजेंट हिज एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग फिल्म्स। इस एसे में उन्होंने अपने फिल्म मेकिंग के तजुर्बे को हमारे साथ बांटा है। द राइटर टेल्स दैट द फिल्म मेकिंग इज़ वन ऑफ द टफेस्ट प्रोफेशन टू चूज इन अ कंट्री लाइक अवर्स बिकॉज इट नीड अ लॉट ऑफ मनी, मार्केट एंड ट्रेंड प्रोफेशनल। तो राइटर कहता है कि हमारे जैसे देश में जिस समय राइटर ने ये प्रोफेशन चुना था, उस समय इस प्रोफेशन को चुनना बहुत ही चुनौतियों से भरा हुआ काम था, क्योंकि हमारे जैसे देश में जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे फिल्म मेकिंग के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, ज़्यादा दर्शक अवेलेबल नहीं थे और ना ही हमारे पास ट्रेंड एक्टर और एक्ट्रेसेस अवेलेबल थे, वहाँ पे निर्देशक को इस प्रोफेशन को चूज़ करके बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी टफ प्रोफेशन टू चूज़ इन अ कंट्री लाइक अवर। इसीलिए वो कहता है कि हमारे जैसे देश में निर्देशक होना, फिल्म मेकिंग को अपना प्रोफेशन चुनना बहुत ही एक कठिन निर्णय था। द मेन रीज़न बिहाइंड इज़ दैट वी डू नॉट हैव सफिशेंट अमाउंट टू इन्वेस्ट इन फिल्म मेकिंग। उसका मुख्य कारण ये है कि जिस समय की ये बात की जा रही है, अब तो हमारे मूवीज़ में भी बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं, वो कह रहे हैं कि बट उस समय कोई भी मूवीज़ के अंदर ज़्यादा पैसे का निवेश नहीं करता था, इसीलिए अक्सर उन लोगों को बहुत सारी सेटिंग्स को आर्टिफिशियल ही बनाना पड़ता था, क्योंकि उनके पास इतने संसाधन नहीं होते थे कि वो अपने शॉर्ट्स को अपनी मूवीज़ के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च कर सकें। देर इज़ वन फैक्टर दैट अफेक्ट फिल्म मेकिंग, दैट इज़ इन अवर कंट्री द फिल्म्स आर मेड अकॉर्डिंग टू मूड एटमोसफेयर, नॉट द ग्रैंडियर एंड स्पेक्टेकल। और एक और फैक्टर है जो हमारे जैसे देश में फिल्म निर्माण को प्रभावित करता है, वो ये कि हमारे देश में मौसम और लोगों के मिजाज के मुताबिक मूवीज़ बनाई जाती हैं। वहाँ पर बड़े लेवल के या बड़े स्केल की मूवीज़ को बनाने में निर्देशकों का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि दर्शक भी ऐसी मूवीज़ नहीं देखते।
सो दैट इज़ वाई द फिल्म मेकर थिंक्स दैट दे नो नीड टू स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन दिस फिल्म. इसीलिए निर्देशक भी यही सोचता है कि जब मूड या एटमोसफेयर के मुताबिक ही मूवीज़ बनानी है और पता नहीं दर्शकों का कैसा रिएक्शन आना है, इसीलिए वो भी फिर मूवीज़ के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करने को ज़रूरी नहीं समझते. दैट इज़ वाई द सेकेंड थिंग इज़ दैट द राइटर थिंग्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज़ द लैक ऑफ रिसोर्स इन आवर कंट्री. दूसरी प्रॉब्लम है हमारे देश में संसाधनों की बहुत कमी होती है. हमारे पास हाई टेक टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट नहीं होती थी उस समय, अब भी हमारे पास हॉलीवुड के कंपेरेटिवली वो टेक्नोलॉजी या वो इक्विपमेंट नहीं है. द राइटर टेल्स दैट देयर इज़ नो हाई टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री, सो दैट इज़ द रीज़न वाई द फिल्म मेकर फाइंड प्रॉब्लम इन ब्रिंगिंग रियलिटी इन द शॉर्ट्स. हमारे जैसे देश में वो कहता है कि हाई टेक्नोलॉजी की कमी अक्सर फिल्म मेकर के पास रहती है, इसीलिए वो कई बार अपने सीन्स के अंदर हकीकत को ढालने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं. अनदर रीज़न दैट द राइटर ट्राइज टू थिंक दैट कॉजेज प्रॉब्लम इन फिल्म मेकिंग इज़ लैक ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास उस समय ट्रेंड एक्टर और एक्ट्रेसेस या दूसरे प्रोफेशनल नहीं होते थे, क्योंकि इस काम को सही नज़र से या इस काम को सही नहीं माना जाता था भारतीय समाज में. द राइटर टेल्स दैट मोस्ट ऑफ द टाइम द फिल्म मेकर्स हैव टू बी विदाउट ट्रेंड प्रोफेशनल. इसीलिए ज़्यादातर उनको विदाउट ट्रेंड एक्टर और एक्ट्रेसेस नहीं मिलते थे, और इसीलिए उनको उस समय भी बहुत सारी शॉर्ट्स के अंदर ओरिजिनलिटी लाने में मुश्किल का सामना करना पड़ता था. इन द एंड द मोस्ट सीरियस ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स दैट द राइटर थिंक is that the filmmakers are not sure about the response of the people, because according to the writer it is the people who have to watch the movie and give their views. और तीसरा, हमारे जैसे देश में जहाँ पे हमारे पास उस समय ज़्यादा दर्शक लोग भी मौजूद नहीं होते थे, इसीलिए सबसे बड़ा डर निर्देशक को यही रहता था कि पता नहीं उसकी मूवी के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी, और अगर लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई तो उसकी फिल्म अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि अल्टीमेटली मूवी को देखना लोगों ने ही है और अपने व्यू भी लोगों ने ही देने हैं. इन द एंड टू कंक्लूड वी कैन से दैट थ्रू दिस एसे, थ्रू हिज पर्सनल एक्सपीरियंस द राइटर इज ट्राइंग टू प्रेजेंट द डिफिकल्टीज दैट ही फेस्ड इन फिल्म मेकिंग. तो ये हम लोग देख सकते हैं इस एसे के ज़रिए उसने अपने पर्सनल तजुर्बों को बयान किया, और ये भी बताया कि उसने फिल्म मेकिंग के करियर के अंदर कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज या चुनौतियों का सामना किया था. अकॉर्डिंग टू हिम द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फिल्म मेकिंग इज़ द टेस्ट ऑफ द मासेस ऑफ द पीपल. सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है फिल्म मेकिंग में वो यही है कि जिन लोगों ने ये फिल्म देखनी है उनका इंटरेस्ट क्या है, और इसीलिए हम लोगों को वैसी ही फिल्में बनानी चाहिए निर्देशकों को जो ज़्यादा वर्ग के लोगों को पसंद आए. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए. ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स.